कप्तान सिंह सोलंकी ने आज हरियाणा के नवे राज्यपाल वजो चंडीगढ़ हरियाणा राजभवन विखे सहुं चुकी। सहुं चुक समागम में हरियाणा के मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आशुतोष महंता ने सोलंकी नवे राज्यपाल वजो सहुं चुकाई। राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल 26 जुलाई को खत्म हो गया। कप्तान सिंह सोलंकी जो कि 2009 तो राज्यसभा के मैंबर चले आ रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर ने हरियाणा वक्री सिख गुरद्वारा कमेटी मुद्दे से अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इस तो पहला जगन्नाथ पहाड़िया जो कि कांग्रेसी लीडर सन अते जल्द ही उन्होंने ये फैसला लिता, वक्री हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मोहर लगा दी। पर हुण हरियाणा कोल बीजेपी का नुमाइंदा पहुँच चुका है, तो तमाम हुण कोशिशां रहणगियां बीजेपी दियां कि इस वक्री गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बिल नूं रिव्यू करवाया जा सके अते किसी तरह वक्री गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि जगदीश सिंह झींडा की गल मनीए तो कानूनी रूप धार चुकी है, क्योंकि बीते दिन सहुं चुक समागम होया जिस विच रस्मी तौर दे उत्ते जगदीश सिंह झींडा प्रधान ऐलाने जा चुके ने। डीसी मूहरे बैठक हुई सी, पहली आम बैठक हुई सी। हरियाणा के नवे राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी बन चुके ने। 26 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो चुका सी जगन्नाथ पहाड़िया का, तो अज नवे हरियाणा के राज्यपाल ने सहु चुकी है। शपथ का पवित्र दिन है, राष्ट्रपति आदरणीय ऑनरेबल राष्ट्रपति के द्वारा मेरी नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, मुझे ये आदेश पाकर के बड़ी प्रसन्नता है। हरियाणा राज्य का, हरियाणा की जनता का कल्याण हो, उत्थान हो, भला हो, ये वास्तव में प्रजातंत्र का काम होता है। संवैधानिक पद होने के कारण मेरी भी एक भूमिका है। आज के इस पवित्र दिन के अवसर पर जब मैं शपथ ले रहा हूं हरियाणा के राज्यपाल के रूप में, मैं ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा की प्रगति हो, हम सब मिलकर के ठीक से काम करें और 21वीं शताब्दी में जिस तरह के भारतवर्ष को हमें बनाना है उसमें हरियाणा का भी योगदान बहुत हो।